बैग है क्या? बैग है। अरे उतर। अरे उतर। बैग बैग। अरे यार कोई नहीं, दूसरी ट्रेन में आ जाएगा या उसी में। बैग ले लो, बैग बैग उतर जा। बैग उतर। रोक दिया। उतर उतर। रोक दिया। बैग लिया ना? क्या कर रहे थे? ये क्या था? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। बर्फीली यात्रा की ओर मेरे ठंड में ठिठुरते कदम श्रीनगर से बनिहाल की ओर निकल पड़े हैं। 7:44 की पहली ट्रेन पकड़ने और मौसम बस मेरे ही हिसाब से अपने सफेद रंग पिरो रहा है। मेरी सवारी डीएमयू सारथी के साथ बनिहाल जाएगी और उस उपरांत हमारे व्लॉग की शुरुआत होगी। इसमें कोई शक नहीं, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। कहा गया है खूबसूरती को अक्सर हमने भटकते हुए देखा है। हाँ, मैंने इन बंद शब्दों में जन्नते कश्मीर को इस रेल यात्रा में लिखा है। संदीप श्रेयांश एंड आवर डॉन एंड देयर इज संदीप जो आपको दिखाई दे रहा होगा शायद दूसरी तरफ से। और खैर आपको जम्मू जाने के लिए भी यहाँ पर मिल जाएगी कैब्स, शेयरिंग मिलती है। कितना लेते हैं? 1000 बनिहाल तक? अरे सॉरी जम्मू तक। ओके, और श्रीनगर तक? आप लोग नहीं लेके जाते हो? नहीं जाएगी। नहीं, यहाँ से जाती है ना गाड़ी? जाती है, बाकी तो 800। अच्छा ठीक है। सिचुएशन हार्श है, आज से ट्रेन से जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, बाई कार नहीं आ सकते हैं, पूरा ब्लॉक है। तो हम हैं बनिहाल पर। अगर आपको बनिहाल आना है तो आपको, अगर ट्रेन से आना है तो जम्मू उतरना पड़ेगा, जम्मू से फिर आपको वहां से बस मिलती है, 850 रुपये लगते हैं उसके, या फिर शेयरिंग में भी आ सकते हैं। नॉर्मली 500-600 रुपीज़ शेयरिंग में आप पहुँच सकते हैं बनिहाल तक। वैसे श्रीनगर तक भी पहुँच सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कैब मिलती है। गाना गाने का मन हो रहा है। जी हाँ, ये कश्मीर है, इतनी खूबसूरत ये तस्वीर है बनिहाल की। तो हम हैं अभी बनिहाल में और बनिहाल रेलवे स्टेशन से आज आपको मज़ा दिलाएंगे बनिहाल टू बारामुल्ला के स्नो रूट का। एक्चुअल में स्नो टाइम होता है दिसंबर एंड से लेके जनवरी तक का और हम इसका मजा उठाने आए हैं। सो आप भी एंजॉय कीजिए, पूरा रूट देखिएगा। दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। आई वेलकम यू ऑल ऑन एक्सट्रीम रेल्स। और हाँ, आज हम हैं आपके फेवरेट लोगों के साथ। गरम गरम चाय और पकोड़ों का लुफ्त लेते हुए हम बनिहाल में सारे के सारे पंटर देख लीजिए और पहचानिए कौन पहचान कौन। वैसे जब आप बनिहाल पर पहुंचते हैं ना तो आप वैसे ही बनिहाल के JKTDC के गेस्ट हाउस में भी रुक सकते हैं, करीबन 1300 रुपये के आसपास, 1300 से 1400 होता है रूम फेयर। और वहां से हार्डली डिस्टेंस है, आपको ऑटो मिल जाएगी स्टेशन तक। स्टेशन के यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स है और एक मेडिकल शॉप भी है, फिलहाल बंद था लेकिन मुझे ज़रूरत थी तो मैंने वहाँ से खरीद लिया। सो फीमेल्स इट्स फॉर यू। अब आप इसका मजा 360 X3 में ले रहे हैं। स्पेशली इसी ब्लॉग के लिए इसे लिया गया था। मैं थोड़ी केयरफुल हो रही हूँ क्योंकि स्नो थोड़ा यहाँ पे पानी पानी हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि आपको मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊँ, गिरते पड़ते नहीं। वो
ओके कूल। और आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं, टिकट काउंटर सामने है। और टाइमिंग जो होते हैं वो सुबह 7:30 बजे से आपको ट्रेन मिलती है, मतलब 7:15 की पहली ट्रेन है और लास्ट आपको आज की है 7:25। 30 रुपये से लेकर के 65 रुपये तक में आप इस ट्रेन की राइड कर सकते हैं। वो been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time, I thought I would never be fine, I strive just to say I'm alright. So yahan par do platform hai aur abhi hamari train jo nikalne wali hai wo 2 number platform se hai. Dekh rahe dosto, yahi hai Banihal ka khoobsurat nazara. और इसी नज़ारे के साथ हमारा ये व्लॉग शुरू होने वाला है और ये बहुत ही अमेजिंग व्लॉग होगा दोस्तों, आप बस देखते जाइए। और मैं क्या क्या आपको इस व्लॉग में, वो बोलते हैं ना कि मन की तृप्ति दूंगी, वैसे मेरी ट्रेन अभी निकलने वाली है, 5 मिनट है। किलोमीटर की बनिहाल से बारामुल्ला जाती ये ट्रेन करीब 3 घंटे लेती है। वैसे तो सुबह 7:30 से शाम 8 बजे तक इस ट्रेन की सेवा अवेलेबल है और हर स्टेशन पर 1 से 2 मिनट रुकती है, टाइम पर ही चलती है। बनिहाल और काजीकुंड को जोड़ती एशिया की दूसरी सबसे लंबी पीर पंजाल रेल सुरंग 11.2 किलोमीटर की है और मात्र 9 मिनट 30 सेकंड में ये जम्मू के बनिहाल स्टेशन से हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला से सुरंग के रास्ते रफ्तार से निकलती है। इसका निर्माण 26 जून 2013 में हुआ था और पहली ट्रेन 27 जून 2013 में चली थी। ये 1760 मीटर की ऊंचाई पर है, करीब 440 मीटर जवाहर टनल से नीचे। टनल देखा काजीकुंड का, दैट वाज ऑसम। चलो जल्दी, यस। तो हम लोग हिलर शाहबाद से निकल रहे हैं। वाओ, अगर आपको वो लॉन्ग ब्रिज कर्व देखना है तो बस इसकी पहले आएगा। जैसे ही हम टनल क्रॉस करते हैं तो जो नज़ारा है वो ऑसम नज़ारा है। Thank you.
काजी कुंड के बाद सधुरा, और सधुरा में भी खूबसूरती ऐसी दिखती है जब पेड़ के ऊपर बर्फ़ होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सच बताती हूँ जब स्नो ग्रीन छपरों पर गिर रहे हैं ना तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो सीटियाँ बजा रहे हैं, बोले चलो जल्दी निकलो यहाँ से। जी हम लोग हैं अभी अनंतनाग में, और अनंतनाग एक ऐसा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप डेफिनेटली हर एक रूट यहाँ से पड़ता है, और सबसे बड़ा शहर है जस्ट लाइक श्रीनगर। और वैसे केसर की खेती भी यहीं पर होती है। और हाँ, यहाँ के जितने भी जो अगल बगल के जितने भी विलेजेस हैं, आसपास के जितने भी स्टेशन हैं, वहाँ से लोग आते हैं इसी अनंतनाग में, और हॉस्पिटल्स, बड़े शॉप्स, खरीदी मार्केट सारा यहीं से होता है। हम लोग अभी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस किए हैं, और अनंतनाग की बहुत सारी खासियतें हैं, और अनंतनाग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट राइट और इन कश्मीर राइट। और यहाँ भी मैंने सुना है कि मतलब पामपोरी में तो केसर होती है, लेकिन इसका क्या हिसाब किताब होता है, मतलब कब अगर किसी को खेती देखनी है तो कब देख सकते हैं? अच्छा, हाँ अच्छा होता है, मतलब उसमें सीजन को क्राफ्ट सीजन होता है, सेट हुई है, मतलब उसमें फूल फूल सब निकले हुए उगाते हैं तभी। अनंतनाग और कुलगाम, हाँ कुलगाम का ज़्यादा ही यहाँ पर मतलब कारोबार। ये जो अभी स्नो का टाइम है तो यहाँ के लोकल्स के लिए असुविधा क्या होती है? यहाँ मुझे अपनी सुविधा समझ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, स्नो आना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। नहीं आएगा तो हमारी यहाँ काम हो जाएगा, खेती का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, पानी का भी हो जाएगा, क्योंकि वो बीमारी काफी खर्चा रहता है नेक्स्ट सीजन आएगा फ्रूट का, उनके लिए ये जो बर्फ पड़ी ना पिछले दिन तो बढ़िया। हम अभी पंजगाम में है, ट्रेन है ना एक एक मिनट ही रुकती है यहाँ, और एक मिनट में चढ़ने वाले उतरने वाले दोनों को उसी टाइम में चढ़ जाना है और उतर जाना है। वाह, थोड़ी देर और है, और यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी अच्छी होती ही है। चलते चढ़ो। वैसे आप किसी भी स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ से वहाँ पे ऑटो स्टैंड भी होता है, बस स्टैंड भी होता है, और वहाँ पर आपको शेयरिंग कैब्स भी मिल जाती हैं, टैक्सी जहाँ जो आपको लेकर के जा सकती है नियर बाय जिस भी जगह पे एरिया में आप जाना चाहते हैं। इसी ट्रेन से आप गुलमर्ग भी जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, पहलगाम जाना सकते हैं वो भी जा सकते हैं। ये ट्रेन रूट और ये ट्रेन जर्नी यहाँ के लोकल्स के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, और ये पैसेंजर लोकल है, ऑब्वियसली DMEU ट्रेन है, और लोग मतलब पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई है, आपको सीट ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, कुछ स्टेशंस के बाद आपको मतलब लाइक श्रीनगर के बाद आपको थोड़ी सी खाली दिखेगी, ये सब लोग श्रीनगर जाने वाले मोस्टली होते हैं। बेस्ट पार्ट इस ट्रेन का ये भी है कि इस ट्रेन में आपको हीटर्स लगे हुए हैं, ये ऊपर जो वेंटिलेशन दिख रहे हैं ना वहाँ से आपको हीटिंग होती है, और यहाँ पे इस ठंड के मौसम में आपको अंदर इतना वार्म फील होगा कि आपको क्या बताऊँ, मतलब अवंतीपुरा आ गया। चलो, और हाँ सुपर बर्फ गिर रही है, वाओ कितना अलग सा नज़ारा है ना, कुछ हटके है। ट्रेन चल रही है और रंग बिरंगी छतरी घुमाते हुए हमारे फौजी, और स्टेशन का तो टाटा बाय बाय करती हुई मैं। Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.
I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. चेंज हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल ये मज़ा ज़रूर दिलाती है। स्नो पैक ड्रामा चला रहे कि नहीं मैम? मुझे कॉल आ रहा है। हाउ अबाउट यू? कोई भी कोई मतलब एम्यूजमेंट पार्क हो चाहे कुछ हो, 45 रुपीस में कितने मज़े तो लेगा पास ऐसा। इस बात ये है कि ट्रेन के अंदर वॉर्म है, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि कोई पैसेंजर लोकल है तो हवा आएगी, हालत खराब हो जाएगी, बैग जितने भी हम पैसे उठा लो, लेकिन हाँ कपड़े उठा लेना क्योंकि बाहर ठंड है, लेकिन हाँ अंदर आप आओगे ना तो यू फील रियली रियली वार्म, एकदम कोजी सा फीलिंग हो रहा है अंदर, है ना, अमेजिंग है। इस ट्रेन में चाहे चलो चाहे बैठो, बाहर के नज़ारे देखो या इधर के लोकल्स के साथ गुफ्तगू करो, तो कम से कम हमें इस पूरे ट्रेन की जर्नी का लुफ्त जो है ना पूरी तरीके से उठाने का मौका मिलेगा। I must say you must come during snow and it will be amazing. If you are coming after August, अगर अगस्त की बात आते हो तो आपको एप्पल्स दिखाई देंगे पेड़ों पर, और यहाँ पे वो सारे पेड़ दिखाई देंगे। हाँ, आपको लोकल्स थोड़े से शाय होते हैं तो आपको बात करने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और आप उनसे परमिशन लेकर के, अगर फीमेल से बात करें तो परमिशन लेकर के बात करें, और मेल्स जो हैं वो थोड़े कम्युनिकेटिव हैं, बात करते हैं, और बेसिकली कैमरा में थोड़े से शाय हैं, तो कैमरा में सारे लोग आना पसंद नहीं करते। ये व्लॉग हमारा सत्या के साथ, संदीप के साथ और दो और पंटरों के साथ। डू सब्सक्राइब दिस ऑल, इनको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, डू ऑल्सो सब्सक्राइब मी। स्टेशन पर कोलाहल नहीं है, आराम से लोगों के अंदर मतलब बहुत हड़बड़ाहट नहीं है, जैसे हम अगर मुंबई में जाते हैं तो जैसे हड़बड़ वो हड़बड़ाहट नहीं है, दिल्ली में भी बहुत हड़बड़ाहट होती है, यहाँ पे आराम से जो है बैठो नज़ारा देखो। ऑल दो हम लोग ब्लॉग बनाते हैं तो हम लोग के पास टाइम नहीं रहती, लेकिन फिर भी जब हम लोगों ने श्रीनगर टू बनिहाल गए, इसी ट्रेन में हम श्रीनगर टू बनिहाल गए थे, और आराम से हम लोग थोड़ा सा नज़ारा देखते हुए, इट वॉज अमेजिंग। आगे हम लोग श्रीनगर, हमारी जर्नी थोड़ी देर में बताती हूँ बाहर निकल करके, क्योंकि बाहर भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ बर्फ सारा निकल चुका है। क्या था ये सफर का मजा, जन्नत बताइए, जन्नत स्वर्ग यही है, यही है, यही है। सच में मुझे भी बहुत मजा आया, मतलब दिस वॉज सच मतलब बहुत मजा, और जिस चीज को लेने आए थे वो मिल गया। आगे की तरफ तो बर्फ नहीं है, छोड़ देते हैं यहीं पे, है ना। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के इनिशिएटिव को हम भी साथ देते हैं,
और भाई कश्मीर आए हैं तो कावा पिए बिगर कैसे जाएंगे। वेल तो यहाँ पे देख रहे हैं आप खटाई खाते हुए कश्मीरी और कावा का लुक लेते हुए कहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली वाले? अरे दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है भाई। यहाँ से मैंने कावा लिया है और कावा मेरा फेवरेट ड्रिंक है और यहाँ से अभी मैंने कोकोनट कुकीज ली है जो उन्होंने बताई कि वन ऑफ द बेस्ट है कश्मीर की। ये था मजेदार सफर बनिहाल टू श्रीनगर, लेकिन बनिहाल टू बारामुल्ला वाले ट्रेन पर ना तो वो क्या बता दी यार आप लोगों को, वो तो आप इन्हें देख ही लिया होगा मेरे दूसरे ब्लॉग्स में, आप देख सकते हैं बनिहाल टू बारामुल्ला वाला ब्लॉग भी। लेकिन अभी हम श्रीनगर उतर गए। हाँ ये जरूर बता दूँ, प्रो टिप्स है दोस्तों कि अगर आप सो के टाइम पे आ रहे हैं क्लोथिंग आप पूरे पहन करके आइए, वार्मर होना चाहिए क्योंकि वेदर जो है वो माइनस पे डिप हो जाता है तो आपको उतना फुल्ली ये पैक्ड रहना चाहिए। वैसे श्रीनगर आकर के भी आप खरीद सकते हैं। और मज़ेदार बात ये है कि ये स्नो की जर्नी करनी है तो आपको दिसंबर का फोकस्ट देख लेना चाहिए और जनवरी का, और जिस दिसंबर और जनवरी के फोकस्ट में आपको पता चल जाए कि स्नो कब गिरने वाला है तब आप यहाँ की जर्नी ले सकते हैं। ऑफकोर्स चांसेस होते हैं कभी कभी क्योंकि कुछ लोगों को स्नो नहीं मिला जो लास्ट फोकस्ट था उसमें, लेकिन मोस्टली जो 100% होता है ना उसमें ज़रूर मिल जाएगा आपको। इन केस अगर आप ट्रेन बोर्ड करना चाहते हैं और आप श्रीनगर आ गए हैं वाया फ्लाइट तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं श्रीनगर से, मतलब समझ लीजिए डल लेक से लेकर के श्रीनगर स्टेशन तक का आपको अप्रॉक्सीमेट 300 रुपीज़ लग जाएगा। और फिर जर्नी तो मैंने बता ही दी आपको 30 रुपये से लेकर 65 रुपये तक, जो भी जर्नी करनी है आप कीजिए। लेकिन नॉर्मली बनिहाल की तरफ बर्फ पहले गिरती है तो उसी तरफ जाना चाहिए और वहाँ से ट्रेन की जर्नी करनी चाहिए। तो यही छोटी मोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आपको दे दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप प्लान करते हो तो आपको पता चले। तो यहीं से श्रीनगर से दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और एक्सट्रीम रेल्स को प्यार देते रहिए, इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए और मज़ेदार सीनिक ब्यूटी का लुत्फ़ उठाते रहिए।